सवाल, एक चैनल की ग्रोथ तो उसके कंटेंट से होगी ना, उसके नाम में क्या रखा है? जवाब, तो रख लो ना अपना चैनल नेम बंटी 420 420 420, क्या नहीं रखोगे? एंड यही मेरा पॉइंट है, अगर तुम एक गलत चैनल नेम चूज कर लेते हो शायद तुम्हारा चैनल कभी SEO में रैंक ही ना कर पाए। शायद तुम्हारा चैनल नेम ऐसा हो जिसे 100K पर यूट्यूब वेरिफिकेशन टिकी ना दे या तुम्हारे व्यूज कम हो जाए। इन शॉर्ट, एक गलत चैनल नेम के तुम्हें कई सारे नुकसान हो सकते हैं। तो वैसे तो ये सभी चैनल्स पर अप्लाई होता है, बट खासकर गेमिंग चैनल्स में तुम्हें नाम चूज करते टाइम तीन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, एक तो वो नेम इजीली आइडेंटिफाइबल हो एंड उसे रिकॉल करना भी आसान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी के टाइम में जो भी टॉप गेमिंग चैनल्स हैं उन सबके नेम में एक चीज जरूर कॉमन है, सभी नाम काफी सिंपल से हैं एंड इसीलिए तुम्हें याद करना भी काफी आसान हो जाता है। प्लस तुम उन्हें इजीली भूलते भी नहीं हो, यानी तुम रिकॉल भी कर सकते हो उन्हें। वरना मान लो तुमने अपना चैनल नेम रख लिया दी कंट्राइवर, लोग उसकी स्पेलिंग समझने में कई दिन लग जाएंगे, फायदा क्या हुआ? बट एल्ग्रो, ये तो तूने ही रखा था ना। चुप, तो तुम चैनल नेम्स लाइक गैलेक्टिक गेमर, नाइट्रो गेमर, बीडू गेमर या मे बी नाइट्रॉन, स्पार्की, इन जैसे नेम्स भी पिक कर सकते हो, बिकॉज काफी सिंपल है यार ये। अब चैनल नेम सिंपल होना तो एक बात हुई, बट उसे रिकॉलेबल बनाने के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे थोड़ा कूल और यूनिक बनाना। एंड चाहो तो तुम थोड़े वियर्ड नेम्स लाइक ABCD 1 2 3 4 ऐसे चैनल नेम्स भी रख सकते हो। मेरा काम बस आइडिया देना, नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। बट हाँ, गेमिंग चैनल्स का नाम रखते टाइम ज्यादातर गेमर्स तीन गलतियां हैं जो कि करते ही करते हैं, तो उन्हें ध्यान से सुनो और अवॉइड करना, वरना फिर कहोगे एल्ग्रो भाई चैनल सर्च में रैंक नहीं हो रहा है। 1, अपने चैनल का नाम सेलेक्ट करने से पहले थोड़ा वेग ही सही बट उसकी विजन के बारे में जरूर सोचो। जैसे इस चैनल की क्लियर विजन थी कि इस पर ग्रोथ की बात होगी एंड इसलिए इसका नाम हुआ एल्ग्रो। क्रिटिक बनाने से पहले मुझे पता ही था कि वो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को टारगेट करेगा, सो उसका नाम क्रिटिक से बदलकर हुआ क्रिटिक। सिमिलरली गेमिंग चैनल बनाते टाइम भी तुम्हारे दिमाग में दो विजन हो सकते हैं। मे बी तुम एक गेम बेस्ड चैनल ग्रो करना चाहते हो जिसमें तुम्हारी पर्सनैलिटी होगी तो, बट मेन गेम ही रहने वाला है। ऐसे में तुम आराम से वो नाम यूज कर सकते हो जिनके एंड में गेमिंग आता है, फॉर एग्जाम्पल टोटल गेमिंग, देसी गेमर्स या नेम्स लाइक गस्टी गेमर, रेसर आरजे और गेमर लड़का, जिन पर या तो अभी कोई चैनल है ही नहीं और है भी तो इनएक्टिव से ही है। वहीं अगर तुम्हारा प्लान है कि तुम्हें गेम्स तो खेलने हैं लेकिन वो बस एक टाइप ऑफ कॉन्टेंट होने वाला है, बट चैनल का कोर तुम्हारी पर्सनैलिटी ही होगी, तो ऐसे में पर्सोनिफाइड चैनल नेम्स बेस्ट रहेंगे। बेसिकली ऐसे नाम जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सोना को रिप्रेजेंट करे, फॉर एग्जाम्पल मत पैट, रचित्रो, हितेश केएस, बीस बॉय शो, ट्रिगर्ड इंसान, मॉर्टल, स्काउट एंड इवन गेमर फ्लीट फॉर दैट मैटर। इनमें तुम नेम्स लाइक हस्की, वैलियंट जोन या अपना खुद का नाम भी पिक कर सकते हो। बट जो भी नाम तुम सेलेक्ट करो एक बार यूट्यूब पर चेक जरूर कर लेना कि उस नाम से ऑलरेडी कोई बड़ा चैनल ना बना हो। वरना होता क्या है ना, मान लो तुम्हें कैरी मिनाटी से बड़ा प्यार है एंड तुम अपने चैनल का नाम कैरी मिनाटी रख देते हो, अब एक बार वो कॉन्टेंट तगड़ा हुआ तो तुम ग्रो तो कर लोगे बट जब तुम्हारे 100K होंगे तुम्हें ये वेरिफिकेशन टिक नहीं मिलने वाला है। तो एक तगड़े गेमिंग चैनल की मेनली तीन खासियत होती है, वो इजी टू रिमेम्बर हो, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो सर्चेबल हो एंड इसके बारे में मैंने तुम्हें जस्ट अभी बताया था, बट फाइनल पॉइंट है वो कूल और यूनिक भी लगे। बट अब बात आती है कि हमें कूल सा लगने वाला यूनिक नेम ढूंढे कैसे। मेथड 1 है कि तुम एक हिंदी और एक इंग्लिश के वर्ड को जोड़कर एक अपना नया चैनल नेम बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देसी गेमर्स में देसी देसी है और गेमर विदेशी, एंड यही बोलते बोलते अभी मेरे दिमाग में आया कि तुम विदेशी गेमर भी एक नाम रख सकते हो, बट आई थिंक ऑलरेडी किसी ने रखा होगा, बट हाँ ये भी एक नाम हो सकता है। ऐसे यार तुम इस मेथड को यूज करके ज्ञान गेमिंग, फुर्तीला गेमर, चंट गेमर कुछ भी बना सकते हो यार, और फिर जो भी अच्छा लगे उसे यूज कर लेना। अब मेथड 2 है जो तुम्हारा खुद का नाम है उसके साथ छेड़खानी करने का। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम जसवीर सिंह डागर है, तो यार कुछ भी बना सकता हूँ मैं इससे, JSD गेमिंग, जग्गू गेमिंग, जग्गा जासूस, JJ गेमिंग, रेसर JD, सिंह प्लेस, रॉकिंग JD या कुछ और, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई, पेन कॉपी लेकर तो बैठो। अब इसी में मान लो कि अगर तुम्हारा नाम थोड़ा अलग सा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारा नाम चिंटू है, तो यार इसमें तो कई एपिक नेम्स बन सकते हैं, चिंटू प्ले, सिंपली चिंटू, गेमर चिंटू, चिंटू चीज, चिंटू या में भी कुछ और। ऐसी मेथड 3 होगा दो वर्ड्स को मिलाकर एक चैनल नेम बनाना। मेरे दिमाग में तो इसका बेस्ट एग्जांपल एल्ग्रो ही है। एल्गोरिदम यूट्यूब का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड मैं इस चैनल पर ग्रोथ की बात ही करने वाला था, तो एल्गोरिदम और ग्रोथ को मिलाकर मैंने बना दिया एल्ग्रो। सिमिलरली तुम क्रेजी और गेमर को मिलाकर बना सकते हो क्रैमर, गेम्सी, आई डोंट नो यार जो भी दिमाग में आए बनाओ, मोटिवेशन की कमी पड़े तो इन लोगों से ले लेना। जो भी हो, एक ऐसा मेथड भी है जिसके बारे में शायद तुमने अब तक सुना भी नहीं होगा, लाइक यूनिक है वो काफी। तो होता क्या, फाइनल नेम तो तुम्हें डिसाइड करना है, लाइक जो भी तुम्हें थोड़ा कूल लगेगा, तुम्हारी विजन के साथ अलाइन होगा एंड उसकी वाइब सही होगी तुम वो चूज कर लोगे। बट ऐसे में तुम्हें जितने ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे तुम उतना ही तगड़ा नेम ढूंढ पाओगे। तो मुझे जब भी कोई नया नाम ढूंढा होता है मैं इस काफी तगड़े मेथड का यूज करता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, तुम्हें दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड्स उठाने हैं। जैसे अभी हम गेमिंग चैनल का नाम ढूंढ रहे हैं तो सेंटर वर्ड ले लेते हैं गेमर, तो अब तुम्हें जो भी तुम्हारी रिसर्च है वो यहीं से शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो गूगल पर जाकर सर्च करना गेमिंग सिनोनिम्स, तुम्हें काफी सारे आइडियाज आ जाएंगे।
करेंगे। इनमें से जो भी अच्छे लगे कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद जो भी वर्ड्स तुमने अपनी नोटबुक में नोट करे एंड जो भी तुम्हें अच्छे लगे, तुम उन वर्ड्स के दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन ढूंढ सकते हो। एंड सही बता रहा हूँ, तुम्हें वहाँ भी काफी तगड़े तगड़े वर्ड्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे गेमर का सिनोनिम मिला वैलियंट, एंड गूगल ट्रांसलेट पर काफी लैंग्वेजेस में ढूंढने के बाद मैं पहुंचा जर्मन में। अब क्योंकि मुझे वर्ड थोड़ा सही लगा तो मैं रुका, पर मैं थोड़ा सा नीचे गया तो एक और वर्ड मिला वेकर, एंड वेकर से मेरे दिमाग में आया वैकी, वैकी से बना वैकी गेमर, जिसका एक्चुअल में मीनिंग भी है। बट अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सभी लोग अपने चैनल का नाम कमेंट करना, इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार तुम जितने भी नेम्स को पॉइंट देना चाहो दे देना। जैसे मैं नीचे कमेंट कर देता हूँ एल ग्रो, एंड फिर तुम मुझे पॉइंट दे सकते हो कि तुम्हें 10 में से कितना अच्छा लगता है ये नाम। एंड अगर तुम अपने चैनल का नाम कमेंट करते हो तो मैं उसमें पॉइंट दे सकता हूँ। जैसे एक नाम है 9983275, इसको मैं 0 दूंगा। कोई अच्छा नाम होगा तो उसे 10 भी मिल सकता है। तो वेट किसका है, जाओ खुद का नाम कमेंट करो और फिर दूसरे लोगों को पॉइंट देना शुरू कर दो। बाकी चैनल नेम से ही रिलेटेड एक और काफी बड़ी गलती है जो कि काफी ज्यादा लोग करते हैं, उसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो।